दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद से ही नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। उधर बीजेपी लगातार जेडीयू पर तंज कस रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश की नाराजगी के बाद से ही कांग्रेस और जेडीयू के बीच तल्खियां कुछ ज्यादा ही तेज हो गई हैं। जेडीयू सीएम नीतीश को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पीएम पद के लिए प्रस्तावित करने की मांग कर रही है। इधर जेडीयू के चर्चित विधायक गोपाल मंडल ने कांग्रेस के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। गोपाल मंडल ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर विवादित बयान दे दिया है। नीतीश कुमार का चेहरा है, निर्विवादित है, सब कुछ है, इनको ही प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहिए। कांग्रेस पर विश्वास रखने लायक है ही नहीं, उनके ही विरोध में भाजपा को लाया गया, तो अब उसी को क्यों चुना जाएगा? किसी नए चेहरा को चुनना चाहिए। इधर बीजेपी नीतीश कुमार पर तंज कसने का कोई बहाना नहीं छोड़ रही। सुशील मोदी ने दिल्ली दौरे पर गए तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला है। इंडी गठबंधन की बैठक में नीतीश जी का नाम कन्वेनर के लिए प्रस्तावित क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री के लिए नाम क्यों नहीं प्रस्तावित किया?